वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है। आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। 20 साल पुराने आपराधिक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। हत्या की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत का यह फैसला है। 28 फरवरी 2003 का यह मामला है। टेंडर को लेकर हुई थी गोलीबारी। अनंत सिंह पर पीर बहौर थाने में दर्ज हुई थी FIR। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। 20 साल पुराने आपराधिक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। हत्या की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का था आरोप और पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत का यह फैसला है। 28 फरवरी 2003 का यह पूरा मामला है। आपको यह भी बता दें कि टेंडर को लेकर गोलीबारी हुई थी। अनंत सिंह पर पीर बहौर थाने में FIR भी दर्ज की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला ये भी हम आपको बता रहे हैं। 2003 का ये पूरा मामला है, जहां टेंडर को लेकर गोलीबारी हुई थी। तो पीर बहौर थाने में दर्ज की गई थी FIR और कोर्ट ने मामले में बरी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। हत्या की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का था आरोप और ये पूरा मामला 28 फरवरी 2003 का है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पटना का जो MLA MP कोर्ट है, उसने बड़ी राहत दी है अनंत सिंह को। अनंत सिंह पूर्व RJD के MLA हैं और अभी जेल में बंद हैं, और उन पर ये आरोप था कि इन्होंने 2003 में पटना के जो ये महेंद्रू घाट रेलवे स्टेशन है, वहां पर निविदा को लेकर के उनके इशारे पर फायरिंग हुई थी और सरकारी कार्य में बाधा डाला गया था, और इसी को लेकर के वहां उन पर FIR पीरमोहर थाने में दर्ज की गई थी। 20 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। MP MLA कोर्ट ने उनको इस मामले से बरी कर दिया है, लेकिन अभी भी अनंत सिंह जेल में रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि AK-47 बरामदगी मामले में पिछले साल भी कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी 10 साल की, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। लेकिन बड़ी बात उनके समर्थकों के लिए यह है कि 2003 का जो ये मामला था, इसमें MP MLA कोर्ट ने उनको रिहाई दे दी है, बरी कर दिया है। प्रीति, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है, पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 20 साल पुराने आपराधिक मामले में बरी हुए हैं, कोर्ट ने मामले में बरी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि 28 फरवरी 2003 का ये पूरा मामला है। ट्रेंडर को लेकर गोलीबारी हुई थी अनंत सिंह पर, पीर बहौर थाने में FIR भी दर्ज हुई थी।